तो हुआ ये कि मैंने अभी अभी एक नई बाइक खरीदी, नेचुरली टुक इट आउट फॉर अ लॉन्ग राइड, रास्ते में एक ढाबे पे रुका हुआ था, तो ये खूबसूरत सी बाइक तो है, सो ऑल दीज किड्स केम अराउंड द बाइक, जैसे बचपन में हम निहारा करते थे कितने की है, कितनी एवरेज देती है, आई मीन टेक्निकली आई डिडंट नो एवरीथिंग, पर मैंने भी जम के समझाया एज इफ आई एम द सीईओ बीएमडब्ल्यू, खूब बेची। जाते जाते एक 18-20 साल का लौंडा कहता है, सर मानना पड़ेगा आपकी उम्र कोई भी हो आपने बाइक जवानों वाली रखी है। तो मैंने कहा तेरी anyway, जो है सो है, बट थ्रू द रेस्ट ऑफ द जर्नी आई केप्ट थिंकिंग कि यार ये जवान क्या होता है, मतलब अगर सिर्फ बायोलॉजिकल उम्र या बालों की सफेदी से हम जवान है तो भाई दिस इज अ वेरी लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ यूथ। मेरी डेफिनेशन से तो फिर आधे आजकल 30 साल वाले बुढ़े हैं, और आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्सट्रीमली यंग एट 75-80 व्हाटएवर। सो दिस न्यू कविता इज माय पर्सनल डेफिनेशन ऑफ हु आई थिंक इज यंग, एंड आई लुक एट दिस कविता एज अ गुड मिरर, एक अच्छा आईना है फॉर अस टू लुक एट एंड डिसाइड इफ यू आर स्टिल यंग। तो मुलायजा फरमाइए, दिस कविता इज सिंपली कॉल्ड जवान। बच्चों की तरह हंसते हैं, बच्चों की तरह हंसते हैं, मंजिलों पे कौन पहुंचना चाहता है, पसंद इन्हें आज भी यही रास्ते हैं, आज भी जिस मर्जी झूले पे बिठा दो, बड़ी ऊंची पींग है इनकी, लोग मुस्कुराने से भी कतराते हैं, ये आज भी बेवजह हंसते हैं, मंजिलों पे कौन पहुंचना चाहता है, पसंद इन्हें आज भी यही रास्ते हैं। बंद कमरे चाहे 21.5 डिग्री पे एयर कंडीशनड हो, बंद कमरे चाहे 21.5 डिग्री पे एयर कंडीशनड हो, इनमें इनसे बैठा ही नहीं जाता, कुछ पहाड़ हो, हवाएं हो, मैदान हो, समुद्र हो, इन सबसे दूर इनसे रहा ही नहीं जाता। कुछ भी नया करने को बोलो सबसे पहले ये तैयार है, कुछ भी नया करने को बोलो सबसे पहले ये तैयार है, सही है नहीं है इतना कौन सोचेगा, ये अलग ही गाड़ी पे सवार है, सबसे पहले ये तैयार है। डर तो इन्हें भी लगता है, डर तो इन्हें भी लगता है कभी, पर मौका ये कोई नहीं जाने देते, जो मजा बड़ी बड़ी चीजों से नहीं मिलता जनाब, ये तो भाई छोटे छोटे खिलौनों से है लेते, मौका ये कोई नहीं जाने देते। ताज्जुब तो हमें होगा सर, पर ये बात सही है, जब से है याद इनको यही फिलॉसफी रही है, न कल जो गुजरा था आज किसी काम का है, कल जो आने वाला है उसकी भी इन्हें कोई खास परवाह नहीं है, जब से है याद इनको यही फिलॉसफी रही है। जहां दिल करता है कुछ देर ठहर जाते हैं, जिससे दिल करता है खूब बतियाते हैं, जो दिल में आता है बोल भी देते हैं, जो नहीं समझ आता उसकी खोल भी देते हैं, और क्योंकि भाई इनका तो खुला दरबार है, जो कल तक अजनबी था आज पक्का यार है। मजा भी इन्हें ऐसे ही लोगों के साथ आता है जिनको जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाना भाता है, और जख्म इनके भी घुटनों पे बहुत हैं भैया, गिरे ये भी लगातार बहुत ज्यादा हैं, पर गिर के उठना मुश्किल है पता है, गिर के उठने का हुनर अब भी इनको आता है, गिरे ये भी लगातार बहुत ज्यादा हैं, पर गिर के उठने का हुनर अब भी इनको आता है। सो टू ऑल द यंग पीपल इन दिस वर्ल्ड, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग बायोलॉजिकल उम्र, लगे रहो जवानों, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ना पाजी, जख्म हमारे भी घुटनों पे बहुत हैं भैया, गिरे हम भी लगातार बहुत ज्यादा हैं, पर गिर के उठना मुश्किल है पता है हुजूर, गिर के उठने का हुनर अब भी हमको आता है। शेयर दिस विद समवन यू थिंक नोज हाउ टू लिव लाइफ एंड इज यंग वेयर इट मैटर्स। Much sunshine and laughter to you. All the very best.